नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा पेज। आज हम रक्षाबंधन के त्योहार को लेके हाजिर हैं। जगह जगह पर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हर दुकानों पर मिठाई की जो दुकान है उसकी बिक्री देखने को मिल रही है, रक्षाबंधन के त्योहार पे भी देखने को मिल रहा है। तो हम आपको ये दिखाते हैं, गोरखपुर बाजार में है और बालाजी मिठाई की दुकान है और यहाँ की मिठाई की दुकान काफी मशहूर मानी जाती है और एक से बढ़कर एक मिठाई की है दुकान। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं मिठाई और मिठाई की दुकान दिखा रहे हैं। तो ये है, पूरी लगी हुई है, ये राम जानकी मार की है दुकान, आप देख सकते हैं। और अभी हम मिलवाएंगे कि यहाँ पर कौन कौन सी मिठाई है और मिठाई को हम दिखाते हैं। तो आज खास करके रक्षाबंधन के त्योहार पे मिठाई की बिक्री काफी तेज होती है और रक्षाबंधन की भी बिक्री तेज होती है और लगातार लोग जो है मिठाई की खरीदारी भी करते हैं। तो आप भी निकलते हैं और खास बात होती है मिठाई की जो गुणवत्ता है उसको लेकर के आम लोग अब मिठाई की गुणवत्ता को लेकर हाजिर होते रहते हैं और मिठाई की गुणवत्ता को लेकर लोग खरीदारी भी करते हैं। तो आज हम इस दुकान पे थे, आपको दिखा रहे थे मिठाई की दुकानें और आपको हम बताते हैं, मिलवाते हैं और बात भी करते हैं कौन कौन सी मिठाई यहाँ पर उपलब्ध है। तो बाबू साहब ये बताइए कि राम जानकी मार की अच्छी दुकान है मिठाई के मामले में, जैसा लोग बताते हैं, आपके पास कौन कौन सी मिठाई है? हमारे सर इस बार वैरायटी कुछ ज्यादा है जी, जिसमें से कुछ अच्छी वैरायटी बनाई गई, खजूर के लड्डू जी, और ड्राई फ्रूट लड्डू जी, और मिल्क केक देसी घी का बनाया गया है जी, और पपड़ी देसी घी की बनाई गई है जी। बाकी मिठाइयाँ रिपीट की गई है, नए आइटम में परवर की मिठाई कही गई है, परवर की मिठाई जी। तो इन मिठाइयों को हमको एक बार दिखाइए अपने स्टॉल पे चलते, चलिए और अभी हम दिखवाते हैं आपको ये जो मिठाई का स्टॉल है और जो हमारे बाबू साहब ने बताया है कि यहाँ पर ये मिठाई अच्छी अच्छी प्रकार की है। तो हम थोड़ा दिखवाते हैं, आप दिखाइए हमको परवर का लड्डू, परवर की मिठाई सर, परवर वाली है। ये है परवर की मिठाई, इसका रेट क्या है सर? 400 रुपए किलो, 400 रुपए किलो। और एक गोद का लड्डू है, हाँ गोद का लड्डू, देखिए ये गोद का लड्डू है, इसका रेट क्या है? 600 रुपए किलो है जी। ड्राई फ्रूट लड्डू है जी, 800 रुपए किलो है, 800 रुपए किलो है जी। यहाँ खजूर का लड्डू है जी, और हम आपको दिखा रहे हैं खजूर का लड्डू, इसका रेट क्या है? 800 रुपए किलो, 800 रुपए किलो है। तो आपने देखा है कि ये है यहाँ के गौसपुर की, आपको लोकल मार्केट में अच्छी से अच्छी मिठाई मिल रही है, जो आपको मुख्यालय पे मिलती है अब वो आपके आपके गांव में मिल रही है, आपके मार्केट में मिल रही है। तो हम बात करेंगे और कुछ लोगों से और जानकारी भी लेंगे कि यहाँ की मिठाई का है क्या। तो भैया जी आपका नाम क्या है? शैलेंद्र पांडे। अच्छा, यहाँ की जो मिठाई है आपने देखा है कि बहुत सारे बताया कि तमाम ऐसी वैरायटियाँ हैं जिसका नाम हम लोग नहीं जानते थे, नहीं आज तो मिठाई कैसी है यहाँ की? नहीं, इनकी मिठाई की क्वालिटी बहुत शुद्ध है जी, और मेन बात ये जो भी बनाते हैं सामान जी, सब अपने यहाँ दूध लेके उसी से बनवाते हैं जी। और रक्षाबंधन में क्या है कि ज्यादातर लोग डुप्लीकेट काम करते हैं जी, जी। इनके यहाँ डुप्लीकेट काम कोई नहीं जी, यहाँ शुद्धता एक नंबर पे। तो आपने देखा है कि यहाँ पर जो मिठाई है उसकी जो गारंटी दी जा रही है और काफी अच्छी मिठाई है। तो आज के लिए बस यहीं तक, नमस्कार।